Hello students, and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the topic of macroeconomics. Some basic concepts of macroeconomics. Fine. So let's get started. Okay. तो स्टूडेंट हम अच्छे से इकोनॉमिक्स समझते हुए चलेंगे. हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे. इजी से लेकर डिफिकल्ट सारी चीजें समझते हुए चलेंगे. क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं. देखिए स्टूडेंट, हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं और साथ ही साथ में कंज्यूम भी किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे एक स्टूडेंट है, उसके लिए शर्ट्स बनाई जा रही हैं, शूज बनाए जा रहे हैं, बनाए भी जा रहे हैं और कंज्यूम भी किए जा रहे हैं, यूज भी किए जा रहे हैं, राइट? उसी तरीके से मशीनरी, टूल बनाए जा रहे हैं फार्म्स के लिए, फर्म्स के लिए बनाए भी जा रहे हैं और कंज्यूम भी किए जा रहे हैं. गन्स बनाई जा रही हैं डिफेंस फोर्सेस के लिए, शिप्स और एयरप्लेन्स बनाए जा रहे हैं टूरिस्ट के लिए, राइट? तो इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग तरीके के गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और कंज्यूम हो रहे हैं, ठीक है? अब हर एक गुड्स की अपनी अलग अलग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सारे एज इट इज बिल्कुल सेम नहीं है, दे आर डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ वी क्लासिफाई गुड्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इन टू पार्ट्स. फर्स्ट इज फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स एंड सेकेंड इज कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स. मैं क्या कह रही हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम गुड्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे. एक तरफ फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स लेंगे एंड दूसरी तरफ कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स लेंगे. क्लियर? अब इन्हें अच्छे से समझते हैं. अब देखो स्टूडेंट, मैंने क्या लिखा है, फाइनल गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स. बस इतनी सी बात समझ लो कि फाइनल गुड्स हमारे वो वाले गुड्स हैं जो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके हैं, उससे बाहर आ चुके हैं और अपने फाइनल यूजर्स को यूज करने के लिए वो रेडी हैं. अब हमें दोनों चीज, पहली बात ये कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर सके हैं और दूसरी कि वो अपने फाइनल यूजर्स की नीड के लिए रेडी हैं. हम इन दोनों को दो अलग अलग पार्ट्स में समझ के फाइनल गुड्स को समझेंगे. अब देखिए, जैसे कि ये मैंने एक एग्जांपल से समझाया. देखो हमारे गुड्स कैसे होते हैं, पहले मैन्युफैक्चरर बनाता है, फिर उससे होलसेल में होलसेलर ले लेता है, फिर रिटेलर ले लेता है एंड देन फाइनली वो कंज्यूमर तक आते हैं. ये इंटरमीडियरीज बीच में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है? तो देखो स्टूडेंट क्या हुआ, एक रिटेलर है, उसने होलसेलर से कुछ भी लिया, कोई भी गुड लिया, मान लो शर्ट ली, उसने 900 रुपए की ली, ठीक है? और वो कंज्यूमर को 1000 रुपए में दे रहा है, ठीक है? तो 100 रुपए का बीच में वो जो प्रॉफिट कमा रहा है. तो देखो वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 100 रुपए का हुआ अल्टीमेटली, 900 का उसने लिया, उसने 1000 में बेचा, तो ये फाइनल वैल्यू एडिशन है. इसके बाद अब कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होगा, डायरेक्टली वो कंज्यूमर अब उस शर्ट को यूज करना शुरू कर देगा, जो भी गुड होगा उसे यूज करना शुरू कर देगा. उसमें वो कोई वैल्यू एड कर रहा है क्या, उसे उसमें बीच में बटन सिलने पड़ रहे हैं, डिजाइन करना पड़ रहा है, कुछ भी करना पड़ रहा है, नहीं, वो फाइनली अब रेडी है. तो नो मोर प्रोडक्शन इज नीडेड बिकॉज द गुड हैव ऑलरेडी क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन. तो ये चीज आपको समझनी है कि अब उसमें हमें कोई भी फर्दर प्रोडक्शन नहीं करनी. उसमें आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, हमने सबसे इजी एग्जाम्पल एक शर्ट का ही ले लिया, अब उसमें हमें कोई भी और फर्दर काम नहीं करना है, वो पूरे तरीके से क्या है, रेडी है. क्लियर है? तो ये है पहले फाइनल गुड जिसका हमने ये समझा कि विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन. अब सेकेंडली बात आती है कि रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स, ये क्या है? देखो स्टूडेंट, फाइनल यूजर्स में हमारे दो यूजर्स आते हैं, एक आते हैं कंज्यूमर्स और एक आते हैं प्रोड्यूसर्स. कौन से आते हैं? फाइनल गुड्स में यूज करने के लिए दो तरीके के आते हैं. देखो, एक फाइनल कंज्यूमर गुड्स होते हैं और एक फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं. मतलब फाइनल गुड्स कुछ कंज्यूमर यूज करते हैं और कुछ प्रोड्यूसर यूज करते हैं. अब वो कैसे, देखो जो हमारे कंज्यूमर यूज कर रहे हैं वो अपनी वॉन्ट्स के सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं. गुड्स फाइनल है, गुड्स पूरे तरीके से प्रोड्यूस हो चुके हैं, कोई भी अब हमें उसमें कुछ भी और काम नहीं करना, कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं करनी. कंज्यूमर लेंगे अपने वॉन्ट्स के सेटिस्फेक्शन के लिए लेंगे, प्रोड्यूसर लेंगे तो फिक्स्ड एसेट्स की तरह यूज करेंगे फर्दर प्रोडक्शन में. इसे बहुत अच्छे से समझो, तो कि अगर ये समझ नहीं आएगा ना तो इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स में तो पक्का ही कंफ्यूज हो जाओगे. देखो सेटिस्फेक्शन ऑफ वॉन्ट्स मतलब जैसे ब्रेड या बटर है, तो वो क्या है, कंज्यूमर्स यूज कर रहे हैं अपनी वॉन्ट्स के सेटिस्फेक्शन के लिए, वो हंगर हो या कुछ भी हो, ठीक है? तो हम उसको वो यूज कर रहे हैं तो उनके वॉन्ट्स उससे सेटिस्फाई हो जाएंगे. क्या वो उसमें कुछ और फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हैं? नहीं, हम तो भाई ब्रेड शॉपकीपर से लेके हम तो सीधा उसे कंज्यूम कर लेंगे, हम तो कोई वैल्यू एड नहीं कर रहे, ठीक है? और प्रोड्यूसर गुड्स क्या कर रहे हैं, मान लो हम ट्रैक्टर या हार्वेस्टर फार्मर खरीदते हैं तो स्टूडेंट उसको वो डायरेक्टली अपने फिक्स्ड एसेट्स की तरह यूज करते हैं, ठीक है? और फर्दर प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है?
जो ये ट्रैक्टर है इसको आप यूज कर रहे हो आगे कुछ और प्रोड्यूस करने के लिए, पर क्या ट्रैक्टर को कुछ और कर रहे हो? नहीं, ट्रैक्टर तो जैसा था वो वैसा यूज हो रहा है। क्या ट्रैक्टर के हमें कुछ करना पड़ रहा है, उस पर कोई और काम करना पड़ रहा है? नहीं, हम ट्रैक्टर को यूज करके वो अपने क्रॉप्स वगैरह बना रहे हैं या कुछ और अपना काम कर रहे हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। हम क्या समझते हैं, अच्छा ट्रैक्टर ला रहे हैं तो मैम फर्दर प्रोडक्शन हो तो रही है। तो ध्यान से सुनो ना, ट्रैक्टर से आप अपने फार्मर अपने क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ट्रैक्टर में कोई और वैल्यू एडिशन नहीं हो रही, ट्रैक्टर वही का वही रह रहा है, उसको यूज कर रहे हो एक फिक्स एसेट। तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन ऑफ वॉन्ट्स के लिए लेते हैं और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो फिक्स एसेट की तरह यूज करते हैं अपनी फर्दर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो अब देखो स्टूडेंट, कंज्यूमर जो एक्सपेंडिचर करेंगे उसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं और जो प्रोड्यूसर करेंगे उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो इन दोनों को अल्टीमेटली मिला के ही हमारे पास फाइनल गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर निकल के आता है। क्लियर है ये चीज? अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ वो ये है कि सिर्फ फाइनल गुड्स की ही वैल्यू होती है जिसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। इस चीज को हम और इलैबोरेट करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। पहले बस इतना समझ लो और इतना याद रख लो कि सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स बिल्कुल डायरेक्टली अपोजिट होते हैं फाइनल गुड्स के। वो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके हैं, ये नहीं कर चुके, उसमें वैल्यू एड अब नहीं करनी, इसमें हमें करनी है, ठीक है। वो फाइनल यूज के लिए रेडी है फाइनल यूजर्स के थ्रू, ये अभी रेडी नहीं है। वो समझ आ गया तो ये समझ आ ही जाएगा, अगर वो भी नहीं आया तो फिर इसमें भी कंफ्यूज होगे, ठीक है। या तो ये अच्छे से समझ लो या वो समझ लो, तो कि बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। अब हम क्या सोचते हैं कि भाई अभी फाइनल यूज के लिए रेडी नहीं है क्योंकि वैल्यू अभी हमें इसमें ऐड करनी है, तो फिर इंटरमीडिएट गुड्स यूज कौन होते हैं? तो स्टूडेंट, इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं वो एक फर्म दूसरे फर्म से खरीदती है, या तो रॉ मटेरियल की तरह यूज करने के लिए या फिर रीसेल करने के लिए। अब ये चीज समझो, देखो जैसे कि एक ट्रैक्टर है, ठीक है, वो एक फार्मर खरीद रहा है, तो क्या वो उसे रीसेल कर रहा है? उसका ये काम है? नहीं, वो तो ट्रैक्टर को यूज करके अपने क्रॉप्स बना रहा है। अब मान लो वही ट्रैक्टर एक फर्म ले लेती है, ठीक है, तो अगर वो उसका काम ही यही है कि वो ट्रैक्टर वगैरह खरीदने बेचने का काम करती है वो फर्म, तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड हुआ ना, क्योंकि वो तो खरीदे इसलिए रही है ताकि उसका रीसेल करेगी। तो ये डिफरेंस है फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स में, ठीक है, कि इंटरमीडिएट गुड्स जो लिए जाते हैं वो या तो रॉ मटेरियल का यूज के लिए या रीसेल के लिए लिए जाते हैं। अब एक एग्जांपल से समझो, देखो जैसे कि वुड क्या किया, एक कारपेंटर ने लिया एक टिम्बर मर्चेंट से, कारपेंटर ने एक टिम्बर मर्चेंट से लिया चेयर बनाने के लिए, ठीक है, तो वो इंटरमीडिएट गुड है। तो कि स्टूडेंट, जो वो वुड ले रहा है वो रॉ मटेरियल की तरह यूज हो रहा है ना, उसको यूज करके आप चेयर बना रहे हो, वुड का यूज करेंगे चेयर बनाएंगे तो रॉ मटेरियल है तो इंटरमीडिएट गुड है। जो भी रॉ मटेरियल है वो इंटरमीडिएट गुड है। अभी हमें उस वुड में वैल्यू ऐड करनी है ताकि वो चेयर बने। अब वुड की वैल्यू बढ़ जाएगी ना, अगर पहले वो 100 रुपए में बिक रहा था, अब चेयर बनके वो भैया वैल्यू बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? तो कि हमने क्या किया, उसमें अभी वैल्यू खुद ऐड करी, हमने उसको कन्वर्ट किया, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड बनाया और अब वो फिनिश गुड बन गया। तो रॉ मटेरियल जब भी आएगा तो वो क्या बनेगा? इंटरमीडिएट गुड बनेगा। अब हम उस चीज को समझेंगे जो कि हमने छोड़ी थी अभी बीच में ऊपर, कि फाइनल गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है स्टूडेंट, देखो जैसे कि एक वुड है, ठीक है, मान लो वो 10,000 का था और हमने उससे चेयर्स बनाई, वो चेयर 20,000 की बन गई, तो मुझे एक चीज बताओ, ये चेयर में वुड की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना? देखो एक जो दुकानदार होगा वो कुछ खरीद के लाएगा, फिर वो आगे बेचेगा, तो वो ये चाहेगा ना कि जितने का मैं खरीद के लाया हूं, ठीक है, उससे मैं थोड़ा ज्यादा में बेचूं। तो आप एक कॉमन सेंस की बात है कि चेयर में वुड की वैल्यू तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना। इट मीन्स हमें ये समझ आ गया कि फाइनल गुड में तो इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू इंक्लूडेड होती है। इट मीन्स इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को भी अगर हम नेशनल इनकम में ले लें और फाइनल गुड की भी ले लें तो ये तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो भैया मामला तो गड़बड़ा जाएगा, ये तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी फर्म में, इकोनॉमी में, तो ये तो हमें करना ही नहीं है। समझी मैं क्या कह रही हूँ? तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू होती है वो तो अल्टीमेटली फाइनल गुड्स की वैल्यू में इंक्लूड हो ही जाती है, उसका पार्ट बनी जाती है। कोई भी रॉ मटेरियल होगा वो फाइनल गुड की वैल्यू में इंक्लूड ऑलरेडी होगा, है ना। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को कभी भी नॉट यूज इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूड है। अगर आप कर लोगे तो आप डुप्लीकेशन कर दोगे, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी, एक गुड मोर देन वंस यूज हो जाएगा। जो वुड था
हम क्या कर रहे हैं, उसको चेयर में तो ले ही रहे हैं, हम उस वुड को भी अलग से ले रहे हैं और चेयर के अंदर भी उस वुड को ले रहे हैं, तो वो वुड दो बार काउंट हो गया, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी और गलती हो जाएगी। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड की वैल्यू को लिया जाता है, इंटरमीडिएट गुड को नहीं लिया जाता। आई होप इट इज क्लियर नाउ। देखो बाकी चीजें तो फिर भी समझते हो चलो, बट अगर जैसे मैं कुछ फॉर्मूलाज बता रही हूँ ना, वो चीजें जरूर अपने पास नोट करके रखना, ठीक है। जैसे कि एक ये है, देखो इसमें मैंने क्या बोला कि जो वैल्यू है आउटपुट की, उसमें से जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू हट जाएगी, जो बचेगा वो वैल्यू एडिशन हुआ होगा। जैसे कि चेयर्स है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है माइनस में जो रॉ मटेरियल की वैल्यू है, बाकी जो बचा वो होगा कि हमने उसमें उतनी वैल्यू एडिशन करी है। जैसे कि अगर मैंने वुड मान लो, जैसे हमने एग्जांपल में 10,000 का था और ये 20,000 का था, तो जो ये 10,000 बचा ना स्टूडेंट, ये वो वैल्यू एड करी गई है प्रोड्यूसर के थ्रू, ये है वो वैल्यू एडिशन बाय प्रोड्यूसर। इससे हम ये पता लगा पाते हैं कि कितनी वैल्यू एडिशन एक प्रोड्यूसर कर रहा है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझते हुए चलो, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर लो। स्टिल कोई डाउट होता है मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लो, क्लियर है। अब एक सबसे बड़ा डाउट जो हम लोगों के माइंड में आता है, मैम ये कैसे पता लगेगा कि एक गुड फाइनल है कि इंटरमीडिएट है, हमें तो यही नहीं समझ आता है ना, तो कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट वो सिर्फ एक ही चीज से पता लग सकता है कि उसका एंड यूज क्या है, ठीक है। अब मान लो पैनासोनिक वाले लोग हैं, ठीक है, कहीं होते हैं जो कि अपनी खुद की कंपनी होती है, वो खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद ही सेल करते हैं, और कहीं होते हैं जो खरीदते हैं और फिर उसे आगे बेचते हैं, ठीक है, उनके कंपनी को उस पर टैग लग जाता है। तो अब देखो जैसे कि मैं कहूँ कि मैं एयर कंडीशनर लेके आ रही हूँ, तो वो एयर कंडीशनर स्टूडेंट जो लाया जा रहा है वो मैं अपने घर पे जाके लगाऊंगी, मैं उसे बेचने के लिए नहीं ला रही, तो वो क्या है, वो मेरे लिए फाइनल गुड है। बट अगर वही उसे रीसेल के लिए लिया जाएगा तो वो इंटरमीडिएट गुड बन जाएगा, तो क्योंकि उसमें अभी वैल्यू ऐड की जाएगी और वैल्यू ऐड करके उसे रीसेल किया जाएगा। तो हमने पढ़ा है कि इंटरमीडिएट गुड्स की ये दो खासियत बात है कि या तो उसे रॉ मटेरियल की तरह या फिर रीसेल के लिए लिया जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, एक एसी के एंड यूज से पता लगा कि वो फाइनल गुड है या फिर वो इंटरमीडिएट गुड है। दो और एग्जांपल लेते हैं अच्छे से समझेंगे। शुगर, शुगर बिस्किट बनाने के लिए यूज होती है, बिस्किट मीठे भी आते हैं ना, तो यहाँ पे वो एक रॉ मटेरियल की तरह यूज हो रही है तो वो इंटरमीडिएट कहलाएगी। वही अगर शुगर घर में हम लेके आते हैं, खरीद के लाते हैं, तो स्टूडेंट वो फाइनल गुड है ना, अल्टीमेटली हम ले रहे हैं, हम उसमें कोई वैल्यू थोड़ी ऐड कर रहे हैं, क्लियर। पेपर है, अगर एक स्टूडेंट खरीदेगा उसके लिए वो फाइनल है भाई, हम लेके आ गए। वही अगर पब्लिशर लेगा तो उसमें वो वैल्यू ऐड करेगा, कुछ ना कुछ पब्लिश करेगा, उसकी वैल्यू बढ़ा देगा वो, ठीक है, तो वो इंटरमीडिएट बन गया, राइट। वैल्यू ऐड हो रही हो, रॉ मटेरियल की तरह यूज हो रहा हो तो समझ जाओ, रीसेल के लिए ले रहे हो तो समझ जाओ कि इंटरमीडिएट है, एंड यूज देखो, क्लियर। अब एक छोटा सा सिंपल क्वेश्चन देखो, परचेज ऑफ अ कार ऑलवेज मीन द परचेज ऑफ अ फाइनल गुड, क्या ऐसा है कि हमेशा एक कार परचेज की जाएगी तो वो फाइनल गुड ही होगी? अब आप बताइए, आप लोगों में से कईयों का आंसर होगा यस, बट नो स्टूडेंट, वो एंड यूज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक हाउस होल्ड नॉर्मल ले रहा है तो वो फाइनल है, क्योंकि वो सिंपल उसे यूज करेगा अपने आने जाने के लिए, उसमें वो कोई वैल्यू एड नहीं करेगा। वही अगर टैक्सी ऑपरेटर लेंगे तो भी फाइनल है, क्योंकि वो फिक्स एसेट की तरह यूज कर रहा है, क्लियर। हमने पढ़ा था ना फिक्स एसेट की तरह यूज, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, और जो एग्जांपल हम आज पढ़ रहे हैं ना वो अपने दिमाग में बिठा लो, उसी से हर एक चीज को लिंक करो, गड़बड़ होगी ही नहीं। एक रिटेल डीलर ले रहा है भाई, वो ले रहा है रीसेल के लिए, वो आगे बेचेगा उसको, ठीक है। अब देखो रिटेल डीलर लेता है, वो कई बार क्या करते हैं, अपना नाम लगाते हैं, जैसे एक गाड़ी होती है ना तो उस पर लिखा जैसे टाटा की है, किसी भी की भी है ना, तो उससे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है ना, तो क्या आजकल तो ब्रांड्स की वैल्यू है भाई, राइट, तो वो इंटरमीडिएट गुड है क्योंकि वो उसको रीसेल के लिए ले रहा है। तो ये डिफरेंस है। अब हमने एक कार के एंड यूज के हिसाब से उसको तीन पार्ट में डिवाइड करके आपको एक्सप्लेन कर दिया, ऐसे ही कुछ भी आ सकता है, हमें सिर्फ एंड यूज से देखना और अपना आंसर दे देना। अब हम में से बहुत होते हैं जो यहाँ यस कर देते हैं और गलती कराते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, जो कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स में डिफरेंस क्या होता है। देखो स्टूडेंट, इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो कि अभी भी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हैं, फाइनल यूज के लिए रेडी नहीं है, और उसके बिल्कुल अपोजिट है फाइनल गुड्स जो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके हैं और फाइनल यूजर्स के यूज के लिए रेडी है। इसको आप या तो रॉ मटेरियल कह दोगे, बट क्या ये रॉ मटेरियल है? ये नहीं है। ये गुड्स रीसेल के लिए यूज होते हैं, क्या ये होते हैं? नहीं होते। वही सेम पॉइंट जो हमने पढ़े वो डिफरेंस में लिख दो। इसमें वैल्यू ऐड करनी है, क्या इसमें करनी है? नहीं करनी है। इसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर है उसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहेगा, इसको क्या कहोगे? फाइनल कहोगे, ठीक है। अब वो फाइनल में दो आ जाते हैं ना, एक कंजम्पशन आ जाता है, एक इन्वेस्टमेंट आ जाता है, राइट, जो हमने पढ़ा।
इन गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इनको किया जाएगा। क्या कुछ भी नया था? जो पढ़ा वही तो आया और वही लिखना है। 6 पॉइंट हमने बना दिए, एक एग्जाम्पल भी डाल दोगे, 7 बना दोगे, क्वेश्चन कंप्लीट, राइट। अब अगर हम आगे बढ़े और देखें कि कंजम्पशन या कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, तो वो वाले गुड्स होते हैं जो कि सेटिस्फेक्शन के लिए डायरेक्टली ह्यूमन वॉन्ट्स के लिए यूज हो रहे हैं भाई, जो अभी हमने पढ़ा भी था, जैसे कि आइसक्रीम और मिल्क। अगर एक हाउस होल्ड ले रहा है तो वो उनके कंज्यूमर गुड्स है, तो क्योंकि वो हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही वो एक हाउस होल्ड लेके आएगा ना, वो उसे परचेज करेगा ना, वैसे ही वो उसे कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। अब देखो, कंज्यूमर गुड्स की भी आगे फर्दर 4 कैटेगरीज हैं। एक है ड्यूरेबल गुड्स, एक है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, एक है नॉन ड्यूरेबल गुड्स और एक है नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज। इसमें हम बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हमें याद ही नहीं रह पाता कि हमने क्या पढ़ा था। तो देखो, ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं? ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स हमारे वो वाले गुड्स होते हैं जिसको हम बहुत सालों के लिए यूज कर लेते हैं और उनकी वैल्यू भी बहुत हाई होती है। मतलब उन गुड्स को ना स्टूडेंट रिपीटेडली, जब तक उनको हम ये ना कह दें कि अब ये बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, यूजलेस हो चुके हैं, तब तक हम उसको काफ़ी सालों के लिए यूज़ कर चुके होते हैं, ठीक है। जैसे कि टीवी, रेडियो, कार, स्कूटर, वॉशिंग मशीन्स, ये ऐसे गुड्स हैं जो कि बहुत साल चल जाते हैं, ठीक है, जब तक हम उनको ये कहें कि ये बिल्कुल यूजलेस हो चुके हैं, क्लियर। अब सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स क्या हैं? वो गुड्स हैं जो कि सिर्फ एक साल या जरा सा उससे थोड़ा सा ज़्यादा यूज होंगे और उनकी वैल्यू भी इतनी हाई नहीं होती। जैसे कि क्लॉथ्स, फर्नीचर, क्रॉकरी, इलेक्ट्रिक गुड्स, ये हैं। मतलब देखो, एक साल यूज़ हो जाएंगे या ज़्यादा से 1.5 साल यूज़ हो जाएंगे, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, क्लियर है, और इनकी वैल्यू भी इतनी हाई नहीं होती। एग्जाम्पल से याद रखो, ठीक है। अब नॉन ड्यूरेबल या सिंगल यूज, जो कि नाम से ही समझ आ रहा है कि सिंगल यूज गुड्स हैं जो कि सिर्फ एक ही बार यूज हो जाएंगे और एक ही बार में खत्म हो जाएंगे। जैसे कि ब्रेड, ब्रेड अगर मैंने अभी खा ली तो वो खत्म है, उसकी अब कोई वैल्यू नहीं बची, क्लियर। अब क्या मैं उसी सेम ब्रेड को दोबारा यूज कर सकती हूँ? तो मैं नहीं कर सकती, उनकी वैल्यू भी उस हिसाब से थोड़ी सी कम होती है। जैसे कि इंक, डोमेस्टिक LPG, मिल्क ले लो, एक बार खत्म हो गया तो वही वाला मिल्क तो दोबारा यूज नहीं होगा ना, हमें दोबारा लाना पड़ेगा। तो ये सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स हैं या फिर ये नॉन ड्यूरेबल हैं, एक ही बार यूज हो सकते हैं। अब सेम उसी तरीके से सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज नॉन मटेरियल गुड्स हैं जो कि ह्यूमन वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज की जाती हैं। ये स्टूडेंट सर्विसेज आपको नाम से समझ आ रहा है, डॉक्टर, लॉयर, डोमेस्टिक सर्वेंट, अलग अलग तरीके के जो लोग हैं जो कि सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, वो नॉन मटेरियल हैं, गुड्स नहीं है, वो ह्यूमन वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही हैं। तो ये कंज्यूमर गुड्स को हमने बताया। अब स्टूडेंट कैपिटल गुड्स जो हैं वो वाले गुड्स हो गए जो कि प्रोड्यूसर के फिक्स्ड एसेट्स की तरह यूज किए जाते हैं, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी। देखो, जितने भी आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं ना, वो सब इसमें आएंगे, ठीक है। अब ये गुड्स प्रोड्यूसर किस लिए लेंगे? या तो उनका पुराना स्टॉक अब खराब हो गया है, उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, या फिर वो अपने स्टॉक में, कैपिटल स्टॉक में और एडिशन करना चाहते हैं। तो जो फिक्स्ड एसेट्स है वो तो हमें पता है कि काफ़ी सालों के लिए लगातार यूज़ किए जाते हैं, उनकी वैल्यू भी काफ़ी हाई होती है। अब देखो, अगर हम बोलें कि वो नहीं होते जैसे पेज होते हैं, नट्स एंड बोल्ट्स के पेज होते हैं ना, उसको कहते हैं, तो वो भी काफ़ी सालों के लिए यूज़ होते हैं, तो क्या वो कैपिटल गुड्स हैं? नहीं है, क्योंकि देखो वो कह रहे हैं कैपिटल गुड्स की दो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, वो दोनों सेटिस्फाई होंगी तब आप उसको कैपिटल गुड्स में डालोगे। तो दो क्या है कि ज़्यादा सालों के लिए यूज़ हो और वैल्यू हाई हो। अब मैंने माना कि ये पेज वगैरह हमारे काफी सालों के लिए तो यूज हो जाते हैं, पर इनकी वैल्यू हाई नहीं होती, इसीलिए इसको कैपिटल गुड्स में क्लासिफाई नहीं किया जाएगा। तो ये सिर्फ वही फिक्स्ड एसेट्स हैं जिसको आप कैपिटल गुड्स में लोगे, जो कि सालों के लिए यूज हो रहे हैं और उनकी वैल्यू भी हाई है। इसमें डेप्रिसिएशन भी होती है स्टूडेंट। अगर मैं आज एक गाड़ी लेके आ रही हूँ तो आज उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, बट वही 4 साल बाद उसकी वैल्यू कम हो चुकी होगी। तो डेप्रिसिएशन तो फिक्स्ड एसेट्स में होता ही है, ठीक है, उनके वियर एंड टीयर की वजह से या किसी भी चीज की वजह से हो सकता है, एक्सीडेंट हो जाता है कई बार, उस चीज की वजह से भी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। अब देखो, एक चीज ये समझ लो कि सारी की सारी मशीन्स को आप कैपिटल गुड्स नहीं कहोगे, ये चीज अपने माइंड में रखो। जैसे कि देखो, एक स्विंग मशीन होती है, वो टेलरिंग शॉप में है तो वो टेलर के लिए फिक्स्ड एसेट है, वो कैपिटल गुड माना जाएगा। बट वही अगर हम घर में ले आते हैं, तो कि घरों में भी होती है कहीं, तो क्या आप उसको कैपिटल गुड बोलोगे? नहीं बोलोगे, वो तो एक कंज्यूमर गुड है, वो भी कौन सा? ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड, जो कि वो सेवरल ईयर्स के लिए यूज करेगा और उसकी वैल्यू हाई है। ये कितना अच्छा एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है। एक स्विंग मशीन अगर टेलर के पास है तो वो फिक्स्ड एसेट मानेगा, उसे कैपिटल गुड मानेगा, और वही अगर स्विंग मशीन हाउस होल्ड में है तो वो ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड होगा, क्योंकि वो सेवरल ईयर्स के लिए यूज होगा, ठीक है, और वैल्यू भी हाई होगी।
ऐसे कार है, अगर टूरिस्ट कंपनी के पास है तो वो क्या है, कैपिटल गुड है, और अगर वही ये कार एक हाउस होल्ड में होगी तो वो ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड होगी। तो सेम वही बात स्टूडेंट, अगर हमें गुड को ये क्लासिफाई करना है कि वो कैपिटल गुड है या नहीं है, तो हमें एंड यूजर देखना पड़ेगा। अगर एंड यूजर हाउस होल्ड है तो वो ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड बन जाएगा, और अगर एंड यूजर कोई प्रोड्यूसर है तो वो कैपिटल गुड बन जाएगा। जो सिंपल सी बात है, तो कैपिटल गुड्स में सिर्फ वही वाले गुड्स आते हैं जो कि प्रोड्यूसर गुड्स की तरह यूज किए जा रहे हैं, कंज्यूमर की तरह नहीं। तो दो एग्जांपल याद रखना, वो स्विंग मशीन वाला और कार वाला, इससे आप नहीं भूलोगे। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, अभी आगे और अच्छे से इस डिटेल में इस चैप्टर को लेके जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।